श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, आपका अगर व्यापार है, बिजनेस है, या आपकी फैक्ट्री है, या आपका घर है, या आपकी शॉप है, वहाँ पे जब भी आपको वास्तुशास्त्र के बारे में बात की जाती है तो मुख्य द्वार के बारे में बहुत ही सादा सवाल आपके मन में आते हैं कि हमारे वास्तु का मुख्य द्वार कौन सा होगा और कैसा होगा और उसको किस तरह से हम उपाय कर सकते हैं, क्या मुख्य द्वार से हमारे बिजनेस में, हमारे घर के अंदर कोई समस्या है। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम आपको बताएंगे वास्तु के अंदर जो कोने के अंदर के जो मुख्य द्वार है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे साउथ वेस्ट का मुख्य द्वार। ये मुख्य द्वार हमेशा आपको संघर्ष, समस्या और तकलीफ देता है, आपके संबंध बिगाड़ता है, घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा का यही द्वार से आगमन होता है। उसी तरह नॉर्थ वेस्ट का मुख्य द्वार हमेशा आपको मानसिक चिंता देता है और कोई ना कोई आपको कहते हैं घर में मानसिक रोग का कारक भी बनता है। उसी तरह ईशान कोण का मुख्य द्वार हमेशा आपको कॉन्फिडेंस में रखता है और छोटी छोटी गलतियां कराता है बिजनेस के अंदर, जॉब के अंदर, हर तरह की समस्या ये ईशान कोण के मुख्य द्वार से भी आकर्षित होती है। उसी तरह साउथ ईस्ट का मुख्य द्वार हमेशा घर के अंदर कलेश लाता है, झगड़े लाता है और नेगेटिविटी थॉट लाता है। तो आपका व्यापार का, बिजनेस का, क्या फैक्ट्री का जो मुख्य द्वार को, उसको कैसे ट्रीट किया जाए, तो साउथ वेस्ट का जो मुख्य द्वार है वहाँ पे आप येलो टेप लगा दीजिए दहलीज के ऊपर, नॉर्थ वेस्ट में आप ब्लू टेप लगा दीजिए और साउथ ईस्ट में आप इसको ट्रीट करना चाहते हैं इस मुख्य द्वार को तो रेड टेप लगा दीजिए और नॉर्थ ईस्ट में ग्रीन टेप लगा दीजिए। ये मुख्य द्वार की सिंपल रेमेडी है। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको जो बताया है ये चार कोनों के मुख्य द्वार की ट्रीटमेंट है। अब आपको यहाँ पे होगा कि मुख्य द्वार कहाँ पे होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, अगर मुख्य द्वार गलत है तो उसको किस तरह से और सकारात्मक किया जाता है। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो 0 डिग्री पे नॉर्थ में, बड़ा बड़ा नॉर्थ में जो मुख्य द्वार होगा वो हमेशा आपको नए नए धन कमाने के अवसर लाएगा। ये द्वार आपको धन लेके, ये द्वार के माध्यम के द्वारा आपके घर के अंदर, व्यापार के अंदर धन आएगा। अगर आपका पूर्व दिशा के अंदर द्वार है तो ये आपको लोगों से कनेक्ट करेगा, आपको आपके जीवन में खुशियां लाएगा और समृद्धि लाएगा। अगर आपका मुख्य द्वार दक्षिण दिशा का है तो ये आपको यश, कीर्ति, मान सम्मान दिलाएगा, आपको संसार में आगे ले जाएगा। अगर आपका द्वार पश्चिम दिशा में है तो ये द्वार आपकी प्राप्ति के लिए। अब जो हमारे गलत द्वार है और ये जो हमारे सही द्वार है, और भी दिशाओं के इसके अंदर द्वार आते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आपका WNW में अगर द्वार है तो ये भी द्वार आपका गलत है। आपका NNW में जो द्वार है ये द्वार थोड़ा सही है, थोड़ा गलत है। आपका NNE में जो द्वार है ये भी द्वार थोड़ा सही है, थोड़ा गलत है। इसी तरह आपका EAC में जो द्वार है वो भी द्वार आपका मुख्य द्वार थोड़ा गलत है। इसी तरह आपका SHW में जो द्वार है वो अतिशय और बहुत ही कर्जदायक द्वार है। अब ये कोई भी द्वार है तो उसकी जो ट्रीटमेंट करनी है उस कलर की ट्रीटमेंट से कर सकते हैं। बड़ा बड़ा यहाँ से आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपका समझ लिए ये नॉर्थ जोन के अंदर कोई भी द्वार है, नॉर्थ को छोड़ के आप ब्लू कलर की ट्रीटमेंट कर सकते हो, टेप लगा सकते हो, एल्यूमिनियम की स्ट्रिप लगा सकते हो। इसी तरह अगर आपका ईस्ट फेसिंग द्वार है तो EAC में आप टेप लगा सकते हो, स्टील की एक स्ट्रिप लगा सकते हो। इसी तरह फायर जोन में अगर आपका द्वार है तो आप कॉपर की एक स्ट्रिप लगा सकते हो, रेड कलर की टेप लगा सकते हो। साउथ वेस्ट में है तो यहाँ येलो और ब्रास की, येलो कलर की टेप और ब्रास की स्ट्रिप लगा सकते हो और यहाँ पे भी ब्रास की और येलो और व्हाइट कलर की स्ट्रिप लगा सकते हो। और दूसरा, अगर आप मुख्य द्वार पे स्वस्तिक बनाते हो दोनों तरफ, एक लेफ्ट एंड राइट, तो ये आपके लिए बहुत ही शुभ फल देता है, क्योंकि स्वस्तिक की जो व्याख्या है सुवत्ता अस्तित्व, अच्छे प्रसंग अस्तित्व में लाना। कोई भी प्रकार का मुख्य द्वार अगर गलत है वास्तुशास्त्र की श्रेणी के अंदर पर स्वस्तिक वहाँ पे बनाया जाए तो वो आपको शुभ फल देने के लिए सहायक होगा। वो सब कुछ निर्भर है आपके कर्म, धर्म और आपकी नीति पे। अगर आपका कर्म, धर्म, नीति एकदम परफेक्ट है और वो एकदम सही तरह से आप उसको फॉलो कर रहे हैं तो वास्तुशास्त्र के ये द्वार भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।